अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कोर्स नेम है जिसमें हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू। टॉपिक का नाम है रिलेटेड पार्टी। आज का हमारा आईएएस है आईएएस 24 नंबर। आई एम हेयर शुजाली खान। बात करेंगे आज यूनिट नंबर 2.1 पे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे 2.1 आईएएस 24 रिलेटेड पार्टी, और आने वाले दिन में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2.2 एप्लीकेशन ऑफ आईएएस 24। तो इस यूनिट के दो सब यूनिट हैं 2.1 2.2। फोकस टुडे इज़ अ डे ऑन आईएएस 24। आईएएस 24 क्या कहता है रिलेटेड पार्टीज़ के बारे में, आज हम उस पर बात करेंगे। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है ये, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है ये। इसमें ज़्यादातर बार डिस्क्लोजर्स की जाएगी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को कैसे डिस्क्लोज किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ब्रीफ स्कोप के बारे में आईएएस 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, जैसे कि इस आईएएस का नाम डिस्क्लोजर्स का है तो ये डिस्क्लोजर्स पे बात करेगा। मेन स्कोप क्या है, डेफिनेशंस क्या हैं, और डिस्क्लोजर कौन कौन से देंगे। स्कोप में आईएएस 24 रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप बताएंगे कि रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप क्या है, क्या वो आपकी सब्सिडरी कंपनी है, क्या वो आपके एसोसिएट कंपनी है, क्या वो की मैनेजमेंट पर्सनल की बात कर रहे हैं, डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात की जा रही है। तो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप की बात की जाएगी, ना सिर्फ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप की बात की जाएगी बल्कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी हुई हैं उस कंपनी के साथ या उस पर्सन के साथ, उन ट्रांजेक्शन को भी डिस्क्लोज किया जाता है। प्लस आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज विद द रिलेटेड पार्टीज, अगर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज हैं विद रेफरेंस टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, कि वो हमारे कस्टमर्स हैं या हमारे सप्लायर्स हैं और उनकी तरफ कुछ अमाउंट ड्यू है या हमने उनसे कुछ अमाउंट लेनी है या देनी है, तो वो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को भी कवर किया जाएगा। प्लस कमिटमेंट्स टू द रिलेटेड पार्टीज, कोई कमिटमेंट्स दिए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ रिलेटेड पार्टी। स्कोप में द डिस्क्लोजर्स हैव टू बी मेड इन द रिलेटेड कंसोलिडेटेड एंड द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पेरेंट, अगर वो पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, इन्वेस्टर्स विथ जॉइंट कंट्रोल ऑफ एन इन्वेस्टी, इन्वेस्टर विथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एन इन्वेस्टी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया जाता है। डेफिनेशंस के अंदर की मैनेजमेंट पर्सनल, क्लोज फैमिली मेंबर, गवर्नमेंट रिलेटेड पार्टीज या एंटिटीज और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में डिस्कस होगा डेफिनेशंस के अंदर। की मैनेजमेंट पर्सनल में दोज पर्सन्स हैविंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्लूडिंग ऑल डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, वो की मैनेजमेंट पर्सनल में फॉल करेंगे, कि जो कंपनीज की प्लानिंग में डायरेक्टिंग में एंड कंट्रोलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो की मैनेजमेंट पर्सनल होंगे। अगर उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन कंपनी कर रही है तो उसे डिस्क्लोज करना चाहिए एज पर आईएएस 24। क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ अगर कोई ट्रांजेक्शंस कंपनी कर रही है, क्लोज फैमिली मेंबर में इंक्लूड्स बट इज नॉट लिमिटेड टू चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स, स्पाउस पार्टनर्स, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ द स्पाउस और पार्टनर, क्लोज फैमिली मेंबर में अगर कोई ट्रांजेक्शन इनके साथ की गई है, कंपनी ने की है, तो वो भी डिस्क्लोज करनी चाहिए। रिलेशनशिप को डिस्क्लोज करना चाहिए, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करना चाहिए, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को डिस्क्लोज करना चाहिए, और अगर कोई कमिटमेंट्स टू द रिलेटेड पार्टीज या ऑन द बिहाफ ऑफ रिलेटेड पार्टीज की गई हैं विद द अदर एंटिटीज, तो वो भी हम डिस्क्लोज करेंगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में ट्रांसफर ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन द रिलेटेड पार्टीज, आपस में अगर रिसोर्सेज का एक्सचेंज करते हैं, सर्विसेज एक दूसरे को देते हैं, या ऑब्लिगेशन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज हैं, वेदर अ प्राइस इज चार्ज और नॉट, तो उसको वो ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज की जाएंगी। गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज में एंटिटी दैट इज कंट्रोल्ड, एंटिटी दैट इज कंट्रोल्ड, जॉइंटली कंट्रोल्ड और सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सिमिलर बॉडीज, वेदर लोकल नेशनल और इंटरनेशनल। डिस्क्लोजर में जो हम बात करेंगे की मैनेजमेंट पर्सनल कंपनसेशन की, डिस्क्लोज करेंगे इन टोटल फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स को डिस्क्लोज किया जाएगा अगर की मैनेजमेंट पर्सनल्स को आप दे रहे हैं, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को डिस्क्लोज किया जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को डिस्क्लोज किया जाएगा, टर्मिनेशन बेनिफिट्स को डिस्क्लोज किया जाएगा, शेयर बेस्ड पेमेंट्स अगर की जा रही हैं डायरेक्टर्स को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को,
तो उनको भी डिस्क्लोज किया जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ओनली इफ देयर हैव बीन ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज द नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बताएंगे कि क्या हमारी वो सब्सिडरी कंपनी है, क्या वो हमारी एसोसिएट कंपनी है जिसके साथ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन बताएंगे कि सेल ऑफ गुड्स की है, सर्विसेज की है, रिसोर्सेज एक्सचेंज की है, ऑब्लिगेशंस बिटवीन रिलेटेड पार्टीज की है, तो नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप भी बताया जाएगा और इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांजेक्शन भी बताई जाएगी। इन्फॉर्मेशन अबाउट आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस के बारे में बात की जाएगी, डिस्क्लोज किया जाएगा, और इन्फॉर्मेशन अबाउट इम्पेयरमेंट ऑफ बैड डेट्स विद रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोज किया जाएगा। डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फॉर ईच कैटेगरी ऑफ रिलेटेड पार्टीज। द अबव डिस्क्लोजर शैल बी प्रेजेंटेड सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। द पेरेंट के लिए अलग आप डिस्क्लोज करेंगे। एंटिटी विद द जॉइंट कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एंटिटी। अगर सब्सिडरी है तो सब्सिडरीज के लिए अलग डिस्क्लोज किया जाएगी ट्रांजेक्शन। अगर एसोसिएट्स हैं तो एसोसिएट्स के लिए अलग डिस्क्लोज की जाएंगी ट्रांजेक्शन। जॉइंट वेंचर हैं इन विच द एंटिटी इज अ जॉइंट वेंचरर, उसके लिए अलग डिस्क्लोज की जाएंगी ट्रांजेक्शन। की मैनेजमेंट पर्सनल हैं ऑफ द एंटिटी और इट्स पेरेंट, उसके लिए अलग ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज की जाएंगी। अदर रिलेटेड पार्टीज, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हेड होंगे। पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप, पेरेंट्स का जो ट्रांजेक्शन हुई हैं उनको डिस्क्लोज किया जाएगा। एसोसिएट कंपनीज के साथ या जॉइंट कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के साथ जो रिलेशनशिप है प्लस ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज किया जाएगा। सब्सिडरीज के साथ, अगर वो आपकी कंपनीज हैं, एज अ सब्सिडरी काम कर रही हैं आपके साथ, आपकी सब्सिडरी कंपनी है, तो उसकी ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज की जाएंगी। अगर वो एसोसिएट्स कंपनी है तो उसके साथ जो ट्रांजेक्शन आपने किए हैं, सेल परचेज की, सर्विसेज की, रिसोर्स एक्सचेंज की, ऑब्लिगेशंस को मीट करने की ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी और दैट एसोसिएट, उनको डिस्क्लोज किया जाएगा। जॉइंट वेंचर अगर आपका किसी के साथ है, जेवी है किसी के साथ, किसी एंटिटी के साथ जिसमें कि आप जॉइंट वेंचरर हैं, तो उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ एंटिटी है और इट्स पेरेंट्स हैं, वो ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज की जाएंगी और अदर रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज की जाएंगी। तो ये ब्रीफ सा आप कह लें स्कोप, डेफिनेशंस और डिस्क्लोजर पे हमने बात की, क्योंकि ये IS-24 बेसिकली डिपेंड करता है, डिस्कस करता है रादर डिस्क्लोजर्स के ऊपर कि अगर ट्रांजेक्शन हम रिलेटेड पार्टीज़ के साथ करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन कैसे डिस्क्लोज की जाएंगी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। रिलेटेड पार्टी डेफिनेशंस, की मैनेजमेंट पर्सनल, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, अगर ये कोई ट्रांजेक्शन करते हैं अपनी कंपनी के साथ तो इसको कैसे डिस्क्लोज किया जाएगा। क्लोज फैमिली मेम्बर्स, वाइफ के साथ, पार्टनर्स के साथ, चिल्ड्रन के साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन की जाती है, कंपनी करती है कि कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनकी वाइफ के साथ आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई परचेज सेल ऑफ एसेट कर रहे हैं, परचेज सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, या उनके बच्चों के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस कंपनी में वो एज अ डायरेक्टर काम कर रहा है, उसके बच्चों के साथ आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो डिस्क्लोज की जाएंगी। अगर पेरेंट कंपनी है विद सब्सिडरी रिलेशनशिप के साथ, पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी का रिलेशनशिप होता है जिसमें ऑनरशिप मोर देन 50% हो, ऐसी कंपनी जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट मोर देन 50% हो, उसे हम कहते हैं कि वो हमारी सिस्टर कंपनी है, हमारी सब्सिडरी कंपनी है। अगर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन किए हैं तो उनको डिस्क्लोज किया जाएगा। अगर एसोसिएट कंपनी के साथ आपने कोई ट्रांजेक्शन की हैं, एसोसिएट कंपनीज वो होती हैं जिनमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, कंट्रोल सब्सिडरी में होता है, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है, अगर आपका इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस जो है वो विद रिलेशन टू एसोसिएट होता है, कंट्रोल विद रेफरेंस टू सब्सिडरी कंपनी होगा बाय द पेरेंट कंपनी। और एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होगी जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट मोर देन 20% और लेस देन 50% हो, उसे हम कहते हैं कि ये हमारी एसोसिएट कंपनी है। अगर आपने अपनी एसोसिएट कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन किए हैं, परचेज सेल की है, तो उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंडर, वो ट्रांजेक्शन जो हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, टर्मिनेशन बेनिफिट, उनको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन थोड़ी देख लेते हैं, रिलेटेड पार्टी डेफिनेशंस में फ्लो चार्ट के फॉर्म में, कि आपकी पेरेंट कंपनी है उसमें आपका एक किसी कंपनी में कंट्रोल है, सब्सिडरी कंपनी उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट मोर देन 50% है तभी आपका कंट्रोल होगा,
तो आपका जो रिलेशनशिप बनेगा एज अ पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशनशिप होगा, और पेरेंट कंपनी ने एक एसोसिएट कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है मोर देन 20% और 50% लेस देन। तो पेरेंट का रिलेशनशिप सब्सिडरी के साथ क्या होगा और पेरेंट का रिलेशनशिप एसोसिएट कंपनी के साथ क्या होगा? तो पेरेंट एंड सब्सिडरी आर रिलेटेड पार्टीज, कि पेरेंट कंपनी का सब्सिडरी कंपनी का जो रिलेशनशिप होगा वो रिलेटेड पार्टी का होगा। पेरेंट एंड एसोसिएट आर अगेन रिलेटेड पार्टीज, सब्सिडरी एंड एसोसिएट आर रिलेटेड पार्टीज। आपकी जो कंपनी पेरेंट कंपनी है, द होल्डिंग कंपनी है जो इन दोनों को होल्ड कर रही है, सब्सिडरी कंपनी का एज ए रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप होगा, और जो ट्रांजेक्शन की जाएंगी इन दोनों के दरमियान उनको डिस्क्लोज होना चाहिए एज पर IS 24। जो पेरेंट का एसोसिएट का सा रिलेशनशिप है वो भी रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप है, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सिग्निफिकेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट है मोर देन 20% लेस देन 50%, तो पेरेंट का और एसोसिएट का जो रिलेशनशिप है वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का रिलेशनशिप होगा। प्लस जो सब्सिडरी कंपनी है आपकी और आपकी एसोसिएट कंपनी है, उन दोनों के दरमियान भी जो रिलेशनशिप होगा वो रिलेटेड पार्टी का होगा। अगर आप JV कंपनी है, जॉइंट वेंचर कंपनी है, आपने कंपनी ए के साथ एज अ वेंचरर काम कर रहे हैं, कंपनी ए एज अ वेंचरर है JV का, और कंपनी बी जो है वो भी वेंचरर है एज JV कंपनी का, तो आपस में इनका क्या रिलेशनशिप होगा? JV कंपनी एंड कंपनी ए आर रिलेटेड पार्टीज, JV कंपनी एंड कंपनी बी आर रिलेटेड पार्टीज, वेयर एज कंपनी ए एंड कंपनी बी आर नॉट रिलेटेड पार्टीज। जो ए और बी कंपनीज होंगी वो आपस में रिलेटेड पार्टीज नहीं होंगी क्योंकि वो वेंचरर हैं, जबकि JV कंपनी के साथ जो है वो रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप होगा इन द केस ऑफ JV जॉइंट वेंचर। पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी 1 में इन्वेस्टमेंट की, सब्सिडरी 2 में इन्वेस्टमेंट की, एक तो ये रिलेशनशिप है, मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट होगी सब्सिडरी 1 सब्सिडरी 2 में, तो पेरेंट कंपनी सब्सिडरी 1 एंड सब्सिडरी 2 आर रिलेटेड पार्टी। अगेन अगर वर्टिकल है, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी 1 में और सब्सिडरी 1 ने सब्सिडरी 2 में, सब्सिडरी की सब्सिडरी है तो वो भी रिलेटेड पार्टीज होंगी। तो तीन चीज़ें देखनी है, कंट्रोल होना चाहिए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और की मैनेजमेंट पर्सनेल की बात IS 24 मेनली करता है। अगर आपकी कंपनी का कंट्रोल है और आप उस कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है और ट्रांजेक्शन भी एग्जिस्ट करती है, तो उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि अगर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है एज द केस इन एसोसिएट कंपनी, आपने उसमें 20% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेस देन 50%, तो यू हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो आपका रिलेशनशिप रिलेटेड पार्टी का होगा उस कंपनी के साथ एज एसोसिएट कंपनी विद द पेरेंट कंपनी विद द मेन कंपनी विद द होल्डिंग कंपनी, अगेन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, प्लस अगर ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट करती हैं तो उन्हें डिस्क्लोज होना चाहिए। की मैनेजमेंट पर्सनेल हैं, डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, अगर वो कोई ट्रांजेक्शन करते हैं कंपनी के साथ तो वो भी डिस्क्लोज होनी चाहिए। क्लोज फैमिली मेम्बर्स, अदर रिलेटेड पार्टीज, हु बेसिक देखना पड़ेगा, कंट्रोल है या जॉइंट कंट्रोल है या एसोसिएट्स हैं, अगर हैं तो फिर रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। पर्सन कंपनी कंट्रोल सब्सिडरी कंट्रोल है, यस रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है। पर्सन कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएट कंपनी, इन्फ्लुएंस है सिग्निफिकेंट, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, डिस्क्लोज करेंगे। तो रिलेटेड पार्टी एसोसिएट कंपनीज भी हो सकती हैं, सब्सिडरी कंपनीज भी हो सकती हैं, सब एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनीज भी हो सकती हैं, की मैनेजमेंट पर्सनेल, पेंशन प्लान, क्लोज फैमिली मेम्बर, ये तमाम जो फॉर्म्स हैं वो रिलेटेड पार्टीज की हैं। अगर इनके साथ कोई ट्रांजेक्शन करती है आपकी कंपनी तो उसे डिस्क्लोज करना चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ नोट। पर्सन कंपनी कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एक कंपनी पर्सन कंपनी का कंट्रोल है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडरी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है एक दूसरी कंपनी में एज एसोसिएट, तो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है और आप डिस्क्लोज करेंगे। पर्सन कंट्रोल सब्सिडरी एज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एसोसिएट, अगेन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, डिस्क्लोज करेंगे ट्रांजेक्शन्स को। पर्सन कंपनी प्लानिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग की मैनेजमेंट पर्सनेल, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ट्रांजेक्शन्स हैं, डिस्क्लोज करेंगे। टर्मिनिंग द रिलेटेड पार्टीज कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी फेलो सब्सिडरीज ज्वाइंट वेंचर्स
other entities controlled by owners or the key management personnel, या significant influence हो in the form of associate, parent company का control, subsidiary पे control, fellow subsidiary पे control, joint venture में control, other entities controlled by the owners or the key management personnel, control define करता है significant influence in the form of associate company, where investment more than 20%, less than 50%, key management personnel, directors, executive directors, non-executive directors, अगर उनका influence है, transitions हैं, disclose करेंगे. Example of related party transition, slide number 19, sale purchase of goods and services, अगर आपस में आप एक दूसरे को sale purchase कर रहे हैं, in the capacity of related party relationship, disclose करेंगे. Balance arising as a result at the balance sheet date, कोई outstanding balances हैं, debtors in the form of customers, in the form of creditors, आप कोई उनसे purchase sale कर रहे हैं, credit पे, उन balances को अंदर सब disclosure show करेंगे, कि इसमें related party की transaction का amount कितना outstanding है, loans, commitments and contingencies अगर हैं, on behalf of related party, तो उसको disclose किया जाएगा. Transition with directors जो हैं, अगर directors के साथ कोई transactions की जा रही हैं, purchase sale की, तो उनको डिस्क्लोज करना चाहिए. बैंक लोन्स एंड कॉलेट्रल अगर हैं रिलेटेड पार्टी की बेस के ऊपर, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए. एजेंसी अरेंजमेंट्स हैं, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए. शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन है, शेयर बेस्ड पेमेंट्स हैं टू द एम्प्लॉयज, टू द की मैनेजमेंट पर्सनल, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए. तो ये सम एग्जाम्पल्स हैं ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. कौन सी पार्टीज रिलेटेड नहीं होंगी? जो प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस हैं, जो फाइनेंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं होगी. जैसे बैंक से आपने लोन लिया, एमसीबी से, यूनियन बैंक से, या नेशनल बैंक से आपने लोन लिया, फाइनेंस करवाया, वो आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं है. ट्रेड यूनियंस, पब्लिक यूटिलिटीज़, वाबडा, पीटीसीएल, वो आपकी रिलेटेड पार्टीज नहीं हो सकती. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज, एफबीआर, एससीसीपी, वो आपकी रिलेटेड पार्टीज नहीं हो सकती. सिंगल सप्लायर्स, कस्टमर्स, फ्रेंचाइजीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, अनलेस अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट, तो आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं होगी. एंटिटीज विद द डायरेक्टर इन अ कॉमन, अनलेस दैट डायरेक्टर हैज़ द एबिलिटी टू डायरेक्ट और सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस, कॉमन डायरेक्टर्स अगर हैं, वो आपकी रिलेटेड पार्टीज नहीं हो सकती. अनलेस दैट डायरेक्टर हैज़ द एबिलिटी टू डायरेक्ट और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, लेकिन अगर वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी में है या उसकी एबिलिटी है, तो फिर रिलेटेड पार्टी हो भी सकती है. ट्रांजेक्शन की मेजरमेंट कैसे करेंगे? कॉस्ट पे करेंगे, कॉस्ट प्लस पे करेंगे, फ्री ऑफ चार्ज भी कर सकते हैं, रीसेल प्राइस पे कर सकते हैं, और आर्म लेंथ प्राइस पे कर सकते हैं. तो वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि जो ट्रांजेक्शन हम अपनी रिलेटेड पार्टी से कर रहे हैं, उसकी मेजरमेंट आपने कैसे की है. क्या वो फ्री ऑफ चार्ज है, क्या वो कॉस्ट पे है, क्या वो कॉस्ट प्लस मार्कअप पे, मार्जिन पे, या रीसेल प्राइस पे है, या कोई और आर्म लेंथ आपने बेस यूज़ की है ट्रांजेक्शन की विद द रिलेटेड पार्टीज, विद द सब्सिडरी, विद द एसोसिएट कंपनी, विद द की मैनेजमेंट पर्सनल, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड सो ऑन. रिलेटेड पार्टी हर वो पार्टी हो सकती है जो इन्फ्लुएंस करे या कंट्रोल हो, जिस पे आपका या जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग के अंदर. और वो पार्टीज रिलेटेड नहीं होंगी जो के अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं. हर एक ने अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, वो आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकती. तो जिस कैपेसिटी में भी अगर आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे बैंक और आपका एक रिलेशनशिप है, तो रिलेटेड पार्टी नहीं है, क्योंकि बैंक ने अपने इंटरेस्ट को वॉच करना है और आपकी कोशिश होगी कि कम से कम रेट के ऊपर लोन मिल जाए, और बैंक की कोशिश होगी कि जी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, सिक्योरिटीज़ आपसे ली जाएँ, श्योरिटीज़ आपसे ली जाएँ, आपको बाउंड किया जाए. तो आपस में आप कभी भी रिलेटेड पार्टीज़ नहीं हो सकते. सिंपल सा बेंचमार्क तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हर पार्टी ने अगर अपने अपने इंटरेस्ट को वॉच करना है और इन्फ्लुएंस नहीं होना या कंट्रोल नहीं होना वाइल डिसीजन मेकिंग, तो वो आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकती. कस्टमर और कंपनी कभी रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकते. इस तरह सप्लायर जो है, वो आपकी कंपनी का सप्लायर है, वो आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकता. उसने अपने इंटरेस्ट को वॉच करना है, आपने अपने इंटरेस्ट को वॉच करना है. एज अ कंपनी आपका इन्फ्लुएंस नहीं है, उसका आप पे इन्फ्लुएंस नहीं है, आप रिलेटेड पार्टी
नहीं हो सकते, तो इंटरेस्ट का इशू है, इंटरेस्ट वॉच करने का इशू है। अगर हर कोई अपने अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहा है तो आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं बन सकती, और अगर रिलेटेड पार्टी है विद रेफरेंस टू रिलेशनशिप तो और ट्रांजेक्शन्स हैं तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर IAS 24 डिस्क्लोजर के नाम। तो इसका नोट होता है, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठा लें लिस्टेड कंपनीज की, उसमें रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर दिया होता है, उसको देखें, उसको पढ़ें और उसको लिखें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।